नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 10x12 साइज के रूम में अगर आप 4.5 इंच का ब्रिक वर्क करते हैं तो कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा, इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो एक एक छोटे छोटे स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 10x12 के रूम में अगर 5 इंच का, जिस जो उसका थिकनेस आपका ब्रिक का एक्चुअली 4.5 इंच का होता है, बोलते हैं हम लोग कितना है 5 इंच ब्रिक वर्क, तो अगर वो ब्रिक वर्क करते हैं तो कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा। तो इससे क्या करें, पर स्क्वायर फीट में बता दूंगा कितना ब्रिक लगा, इससे आप लोग पूरे घर का भी कैलकुलेट कर पाएंगे कितना ब्रिक वर्क आपको घर में लगने वाला है। तो काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है, तो काफी लास्ट तक बने रहे। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, हाउ मच ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड साइज रूम 10x12। 10x12 का रूम है, इसमें हम लोगों ने ब्रिक वर्क क्या किया है, 5 इंच का हम लोगों ने, मतलब 4.5 इंच जिसका साइज होता है, ठीक है, बोलते हैं हम लोग बोलने के भाषा में 5 इंच, लेकिन उसका जो विड्थ आप मेजर कीजिएगा तो वो 4.5 इंच का होता है, ठीक है। तो 4.5 इंच का हम लोग ब्रिक वर्क करने वाले हैं, जो 10x12 का हमारा रूम है। रूम देख सकते हैं, एक हम लोगों ने यहाँ पे विंडो प्रोवाइड किया हुआ है जो 4x4 साइज का हमारा विंडो है। डोर हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है जो 3 फीट का है और हाइट उसका कितना है 7 फीट है, ठीक है। और एक वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है जो 1 फीट बाय 1 फीट का वेंटिलेशन है। तो सारे का डायमेंशन हम लोगों ने लिख रखा है। रूम का साइज देख लीजिए, डोर का साइज 3x7 का, मेरा विंडो है 4x4 का, वेंटिलेशन है 1x1 का, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है 10 फीट का। तो ये हमारा क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट, जो आपको पता होना चाहिए तभी आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। इससे क्या करूंगा मैं, पर स्क्वायर फीट कितना ब्रिक खर्चा हो रहा है वो बता दूंगा, तो आप लोग टोटल भी अपना निकाल पाएंगे आराम से। आगे चलेंगे हम लोग, आगे चलेंगे तो देखिए लेंथ हमारा कितना होगा, लेंथ 12 फीट 10 इंच हो जाएगा टोटल। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला भी एरिया जो है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये वाला भी इसी ब्रिक में हम लोग वॉल में, फर्स्ट वॉल इसको मान लेते हैं, ठीक है, इधर वाले को फर्स्ट वॉल में ही काउंट कर लेते हैं। तो ये गलती से लगता है रह गया होगा, तो हमारा कितना है 12 फीट 10 इंच, तो 12 फीट 10 इंच यहां लिख लीजिए, ठीक है, अच्छे से नहीं लिखाता है। हाइट मेरा क्या है 10 फीट, थिकनेस 4.5 इंच है। फर्स्ट वॉल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट वॉल का एरिया कितना हो जाएगा मेरा, 12 फीट 10 इंच इंटू 10 फीट हाइट है, इसका एरिया आपको निकाल लेना है। पहले तो इंच को आपको क्या करना है, फीट में कन्वर्ट कर लेना है, 12 प्लस 10 फीट को आप इंच में 12 से डिवाइड करके कर लीजिए, ठीक है, जितना आता है आपको इंटू कर दीजिए कितना 10 से, आपका स्क्वायर फीट में आ जाएगा एरिया 128.3 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। अब सेकंड वॉल हम लोग इसको सेकंड ले लेते हैं, ये सेकंड मेरा वॉल है, ये मेरा थर्ड वॉल ले लेते हैं, इसको हम फोर्थ वॉल ले लेते हैं। तो सेकंड वॉल हम सिमिलरली यहां तक काउंट कर लेते हैं, ये पूरा हम लोग एरिया कवर कर लेते हैं, ये वाला पार्ट भी, ठीक है। तो यहां से एरिया हो जाएगा इसका भी कितना सेम हो जाएगा, 128.3 स्क्वायर फीट। अब वॉल थर्ड का, हम लोग वॉल थर्ड में जो करेंगे, ये एरिया क्या किया हम लोग काउंट कर लिए, इसका हमें ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ये दीवार जो फर्स्ट दीवार कर रहे थे उसमें भी ये एरिया काउंट कर लेते हैं और इसमें भी काउंट कर लेते हैं, इसका ध्यान रखना हमें। यहां से अंदर अंदर ये हमको लेना है, तो ये 10 फीट अंदर अंदर है, तो 10 फीट हाइट 10 फीट, तो कितना हो गया 10 × 10 100 स्क्वायर फीट आपको हो गया कितना एरिया हो गया, ठीक है। और फोर्थ वॉल भी हमारा हो गया, फोर्थ वॉल का भी सिमिलरली हमारा क्या इतना हुआ, अंदर अंदर है 10 फीट, तो 10 × 10 100 स्क्वायर फीट, तो टोटल एरिया आपको काउंट कर लेना है कितना है, 128.3 × 2 हो जाएगा, क्योंकि दो टाइम दो वॉल का एरिया इतना है, प्लस 100 × 2 मतलब 200। कैलकुलेशन को शॉर्ट पार्ट में लेके जा रहा हूं, क्योंकि ये लोग ये चीज आप भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए मैं टाइम उसमें कम वेस्ट कर रहा हूं अपना। तो टोटल एरिया जो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपने खुद से जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 456 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब देखिए डोर का एरिया आपको पता है, डोर का कितना कितना है 21 है, 3 × 7 कितना होता है 21 स्क्वायर फीट, विंडो का 4 × 4 16 स्क्वायर फीट आपका, वेंटिलेशन 1x1 का दिया है 1 स्क्वायर फीट, तो ये टोटल एरिया कितना हो गया 38 स्क्वायर फीट, ठीक है। ये सब छोटा छोटा आपको खुद से कैलकुलेट कर लेना और मुंह से कैलकुलेटर इसमें यूज नहीं करना, ठीक है। अब नेट एरिया, नेट एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे, टोटल एरिया हमारा कितना आया था, टोटल एरिया जिसमें ब्रिक वर्क होना है 446.6। लैपटॉप का चार्ज 15% से नीचे हो गया, इसीलिए लाइट कम हो गया,
456.6 था, माइनस आपको 38 स्क्वायर फीट माइनस हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें डोर विंडोज और वेंटिलेशन इसमें प्रोवाइड किया, तो इसमें ब्रिक वर्क नहीं होना है, इस एरिया को हमें ध्यान रखना है, माइनस कर लेना है, तब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल पाइएगा। ठीक है, 38 आपको माइनस कर लेना, 46.6 माइनस 38 आपका आ जाएगा 418.6 स्क्वायर फीट। खुद से भी कैलकुलेट करते जाना है, अगर एक बार आप कैलकुलेशन कर लेते हैं अपने से तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं, पर आप लोग खुद एस्टीमेट निकाल पाएंगे पर घर में कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगने वाला है। तो ठीक है, इतना आ गया हमारा नेट एरिया। हमारा थिकनेस क्या है दीवार का, वो है हमारा 4.5 इंच, इसको पहले फीट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिएगा, फीट में आ जाएगा आपका, फीट में कन्वर्ट करनी है 4.5 डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, तो वहां से आ जाइएगा आप 0.375 फीट आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक फीट में हम लोग जाते हैं, ठीक है, क्यूबिक फीट में चले जाएंगे, वॉल्यूम हमें निकाल लेंगे, ठीक है, वी फोर वॉल्यूम सिंपली, ठीक है, 118.6 स्क्वायर फीट एरिया ब्रिक वर्क करना है। हमारा थिकनेस क्या है, मोटाई क्या है ब्रिक वर्क का, वो 0.37 मोटाई है हमारा, इंटू कर लीजिए 0.37 इंटू 418.6, तो यहां से आ गया आपको 156.97, इतना आपको क्यूबिक फीट, ठीक है, क्यूबिक फीट आपको क्या करना है, ब्रिक वर्क करना है, तो क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में लेके जाते हैं, क्योंकि हमको थंब रूल से पता है 1 क्यूबिक मीटर में हमें ब्रिक वर्क कितना लगता है, 500 नंबर ऑफ ब्रिक हमारा खर्चा लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहां देखिए हम लोगों ने लिख रखा है 0.0023283 से इंटू कर देना है, आपको इंटू कर दीजिए 156.97 इंटू 0.0283 इंटू कर दीजिएगा, तो 4.44 मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब आपको ब्रिक वर्क करना है, एक मीटर क्यूब में 500, तो टोटल इतना में आपको 500 से इंटू कर देना है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितना आ गया, 2221 नंबर ऑफ ब्रिक लगने वाला है। इसमें अगर 120 स्क्वायर फीट आप ब्रिक वर्क किए, रूम का हमारा साइज यही था, डिवाइडेड बाय 120 कर दिए, तो पर स्क्वायर फीट मेरा खर्चा कितना, 18.5 ब्रिक, ठीक है, 18.5 ब्रिक पर स्क्वायर फीट आपको खर्चा लगा, तो टोटल स्क्वायर फीट आपका कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंटू इतना कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक 5 इंच का अगर ब्रिक वर्क करते हैं तो कितना लगेगा। अगर आपको पता है कि रेट भी निकालना चाहते हैं, इसमें 10 रुपए प्रति ब्रिक है, तो इंटू 10 कर दीजिए, तो आपको लग जाएगा 22,210 रुपए आपको ब्रिक में खर्चा लग जाएगा, एक रूम 10x साइज के रूम बनाने में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे, आशा करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।